हेलो एवरीवन, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूँ वेयर डेवलपर्स की ओर से आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बहुत सारी खुशी की बातें हैं, तो बहुत सारी बातें करनी है और उसके साथ कुछ कुछ चीज़ों के लिए आप सबको नोटिफाई भी करना है। सो गाइस, सबसे पहले तो टेक फ्रीडम आप सबके सपोर्ट की वजह से 1500 प्लस डाउनलोड क्रॉस कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर पे 1500 प्लस डाउनलोड हमें मिल चुके हैं आप सबकी सपोर्ट की वजह से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर हम लोग वीआई डेवलपर्स इसी खुशी में एक सरप्राइज प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक हम सिर्फ एप्लीकेशंस बनाएंगे बोल के सरप्राइज देते थे, लेकिन इस बार हम जो है पूरा एप्लीकेशन डिज़ाइन करके एक सरप्राइज प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। क्या बात है ना, मज़ेदार बात। जी हाँ दोस्तों, वी आई डेवलपर्स ने एप्लीकेशन बना भी ली, प्ले स्टोर पर भी है वो एप्लीकेशन। सो आपको उस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी। सो यहाँ पर उस एप्लीकेशन के ऊपर आने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें बतानी है वी आई डेवलपर्स की प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ यूज़ में। हमारे लीगल सेटअप के बाद टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी पॉलिसी में ये मेजर अपडेट है। सो आप सबको नोटिफाई किया जाता है कि आप लोग जाके इसको पढ़ लीजिए, हमारे जो मेजर प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस है और टर्म्स ऑफ यूज़ जो हमारी सर्विसेज चेंजेस है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई लीगली ऐड हुई है जो कि लीगली होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हुई है। और सबसे खास बात, 1 मार्च से ये इफ़ेक्टिव होगी हमारी सभी सर्विसेज के ऊपर। 1 मार्च से ये इफ़ेक्ट करेगी। सो आप सब 1 मार्च 2020 से ये सर्विसेज इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करेगी, ये प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ यूज़। सो आप जाके ये सारी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लें ताकि आप लोगों से कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप सबके लिए शेयर करना चाहूँगा रिमेन एप्लीकेशन, रिमेन। जी हाँ दोस्तों, वी आई डेवलपर्स ने एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है रिमेन। ओके गाइस, सो ये रिमेन करेगा क्या? रिमेन एक यूटिलिटी एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे फ्यूचर अपडेट्स भी आएंगे, बहुत सारे नए फीचर्स भी आएंगे और आप सबके सेशंस को भी सुना जाएगा। सो रिमेन जो है ये एप्लीकेशन करेगा, अभी जो इसके फीचर्स है, जो फीचर सेट के साथ ये प्री इंस्टॉल आता है, वो है आपके जो है माई नोट सेक्शन है, जिसमें आप नोट सेवर की तरह इसको रख सकते हो, नोट आपके सेव करेगा। दूसरी चीज़, पासवर्ड सेवर है, और पासवर्ड सेवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कहीं पर भी ऑनलाइन आपके डेटा को शेयर नहीं करता है। इट मीन्स आपने पासवर्ड इसमें सेव किए हैं तो ये पासवर्ड्स आप तक ही रहेंगे, और ये एप्लीकेशन यहाँ तक कॉन्फिडेंशियल है कि ये कहीं पर भी ओवर ऑटोफिल भी नहीं करेगा। मतलब आप कहीं पर पासवर्ड टाइप करें तो उसको ऑटोफिल भी ये एप्लीकेशन नहीं करेगा। बट पासवर्ड के लिए जब आप पासवर्ड व्यू करेंगे तब आपको ऑप्शन ज़रूर होगा कि आप जो है वो पासवर्ड को कॉपी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी बटन पे क्लिक करके। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आपके पासवर्ड सेवर और आपके नोट टेकर नाम के लिए जो ये एप्लीकेशन बनाई गई है जिसका नाम है रिमेन। सो गाइस, जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाइए, बिकॉज आप जो है एप्लीकेशन को अभी सर्च लिस्ट में नहीं देख सकते, बिकॉज अभी एप्लीकेशन लॉन्च ही हुई है। तो आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत जल्दी सर्च लिस्ट में ये एप्लीकेशन लीड करेगी, लेकिन तब तक आप इसको डिस्क्रिप्शन की लिंक से ही लेना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इसको यूज़ करिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सरप्राइज प्रोजेक्ट था, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 5 स्टार रेट करें जाके। और एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी नए चेंजेस चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं आप डायरेक्टली, वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन ही है, वहाँ पर तो आप डायरेक्टली आपको टाइप ही करना है ईमेल, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो यस, आपको इमीडिएटली प्ले स्टोर पे जाके आप कोई भी सजेशन देना है तो आप कर सकते हैं, बस डू रेट 5 स्टार। सो गाइस, यही बात है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इसके प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। सो गाइस, चलिए, बहुत सारे डेवलपमेंट चेंजेस भी आए हैं इसमें टेक फ्रीडम के कंपैरिजन में। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास मेरा फोन है, लेट मी ओके, नाउ इट्स ओके आई बिलीव। ओके, मैं प्ले स्टोर पे हूँ, कैसा लगेगा देखते हैं। ओके, ये देखिए, यस, वी आई डेवलपर्स
2.1 MB इसकी साइज है, तो साइज भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। ओके, अब चलिए करते हैं क्लिक इंस्टॉल पे। ओके, सो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। ओके, इट्स जस्ट इंस्टॉलिंग। ओके, यहाँ पे मेरा MIUI का डिफॉल्ट जो है वो चेक कर रहा है। ओके, एप्लीकेशन सिक्योर है, ग्रेट। बैक आऊंगा। ओके, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है आपको। यस, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम पूछते नहीं है परमिशंस, आपसे परमिशंस लेते नहीं है, ये कभी भी नहीं होता है, तो आज कैसे हो सकता है। तो यहाँ आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि फाइल्स और ये सब के लिए आपको एक्सेस देनी है, स्टोरेज एक्सेस। ओके, सो यहाँ पे आपको करना है अलाउ। यस, देखिए इसमें कोई भी लॉगिन नहीं करना है क्योंकि इंटरनेट के साथ ये एप्लीकेशन कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखिए इंटरफेस बहुत ही क्लीन है और मैं आपसे 5 स्टार रेट करने के लिए इसीलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग हमारी कोई भी एप्लीकेशन में आप सबको ध्यान में रखते हुए एड्स नहीं डालते हैं, जिससे हमें अर्न हो वैसा एड्स कोई भी हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप 5 स्टार रेट करिए। सो यहाँ पे देखिए ऊपर है नेविगेशन रोड, लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, रिमेन लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, मोर ऑप्शन लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, वेलकम टू क्वाट, रिमेन क्वाट, यहाँ पे क्वाट डाले हुए हैं ताकि अच्छा लगे, क्रिएटेड बाय VI डेवलपर्स, अदर ऑप्शंस, यहाँ पे डायरेक्टली आप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ यूज इसको पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। बट मैं डायरेक्टली नेविगेशन रोड में जाऊंगा बिकॉज इस एप्लीकेशन की खासियत है इसका नेविगेशन रोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा नेविगेशन हेडर है, ऊपर टिक होम, ये होम पे टिक बोल रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट राइट स्वाइप करूंगा, माय नोट्स, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए अब नेविगेशन रोड में जाइए ऊपर। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए नेविगेशन रोड ऊपर का वैसा ही रहा, सिर्फ यहाँ का टाइटल चेंज हुआ और ये इंटरफेस भी ऊपर का मोर ऑप्शन का सेम रहा, केवल नीचे का कंटेंट चेंज हुआ है, मतलब आपका टाइम भी नहीं लेता ये इतना, ठीक है। अब अगर आप देखते हो इसमें जाके नेविगेशन रोड में, तो यहाँ पे देखिए टिक माई नोट्स, ठीक है, माई नोट्स पे टिक है। सो ये काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा लगता है जब कभी आप टाइम सेविंग की बात करते हो, सारी चीज़ों की बात करते हो। यहाँ पे एक आखिरी ऑप्शन है माई पासवर्ड्स। ओके, मैं माई नोट्स पे फिर से जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे दो बटन है, वेलकम टू माई नोट सेक्शन ऑफ रिमेन, यहाँ पे देखिए दो बटन है नीचे, व्यू नोट्स, क्रिएट नोट। ओके, सो अगर आपके पास नोट क्रिएटेड है तो आप व्यू नोट्स का यूज कर सकते हो, अगर आपके पास आपको नोट बनानी है तो आप क्रिएट नोट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे व्यू नोट्स, देयर आर नो नोट्स अवेलेबल, रिमेन बैक बटन है, तो ये तो हमारी एप्लीकेशन में होता ही है, एक्सेसिबिलिटी कहाँ लेकर जाएगा वो भी आपको बताता है। ओके, तो ये रिमेन की मेन स्क्रीन में आपको वापस लेकर जाएगा, ये बैक बटन, बट मुझे वहाँ नहीं जाना है। ओके, व्यू नोट्स, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट नोट पे। ओके, ये भी वापस बैक बटन उधर ही लेकर जाएगा। यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू नोट। ओके, अभी यहाँ पे नोट टाइटल आपसे मांगा जा रहा है, तो आपको टाइटल डालना है, जैसे मैं डालता हूँ अब आप अगर मेन नोट सेक्शन में। ओके, यहाँ पर आप 1 मिलियन कैरेक्टर तक की नोट सेव कर सकते हैं, 1 मिलियन कैरेक्टर, कैन यू बिलीव 1 मिलियन कैरेक्टर्स आप यहाँ तक की नोट इस एप्लीकेशन में सेव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस लिखूंगा, okay, this is a test. Full stop. Okay. यहाँ पर देखिए this is a test. अब उसके नीचे देखिए यहाँ पे note title के बाद यहाँ पर एक create button और clear button, अगर clear button पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट बॉक्स में जो भी लिखा है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले create button का चेक करते हैं। Note
टेस्ट हैज बीन क्रिएटेड. ओके, नोट्स टेस्ट क्रिएट हो गई है आपकी. अब यहां पे क्लियर बटन का भी टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, कुछ भी टाइप करूंगा मैं. मैं टेस्ट टाइप करते हैं. ओके, इधर भी टेस्ट टाइप किया. अब यहां पे क्लियर करते हैं. यस, ग्रेट. देखा, इंफॉर्मेशन पूरी क्लियर हो गई. ओके, इस तरीके से आप नोट क्लियर कर सकते हैं. और यहाँ पर मैंने नोट क्रिएट करने का बताया. ठीक है, अब चलते हैं हमारे व्यू नोट सेक्शन की ओर. क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. यहाँ पे देखिए, नोट आ गया. ठीक है, उसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो आप नोट पढ़ पाएंगे. नोट लोडेड. ठीक है, नोट लोड हुआ है तो बोलेगा नोट लोडेड. ओके ओके, यहाँ पर देखिए, टेस्ट, मोर ऑप्शन, दिस इज अ टेस्ट. अच्छा, यहाँ पे ये नोट तो आ गया, लेकिन इधर मोर ऑप्शन का क्या मतलब है? चलिए दिखाता हूँ. यस, ये ऑप्शन एक्सपोर्ट नोट, ये आपके डिवाइस में आपके जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें रिमेन नाम का फोल्डर बनेगा और आपका जो नोट का टाइटल है उस नाम से .txt फाइल बनेगा अगर आप एक्सपोर्ट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो. ठीक है, चलिए दिखाता हूँ. द नोट टेस्ट हैज बीन एक्सपोर्टेड. देखा, तो इस तरीके से पूरा काम ये करेगा और आपके पास .txt फॉर्म में नोट आएगी. और बहुत जल्दी हम दूसरे फॉर्मेट्स भी लाने वाले हैं और बहुत सारे अपडेट लाने वाले हैं, बिकॉज ये सब सिर्फ एक ट्रेलर है इस एप्लीकेशन का. इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ होने वाला है. ओके, सो अब हम चलेंगे बैक. यहाँ पे देखिए, टेस्ट है. अच्छा, कोई बोलेगा कि मुझे नोट डिलीट करनी है, वो कैसे करेंगे? तो ये टेस्ट के थ्रू ही आप डिलीट कर सकते हैं. यहाँ पे जो आपको टेस्ट सुनाई दे रहा है, अब आप सबको कि ये कैसे हो सकता है यार, यहाँ पे तो हमने क्लिक करके देखा. बट क्लिक के अलावा भी एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल्ड ऑन. ठीक है, लॉन्ग क्लिक, जिसको हम लोग डेवलपमेंट लैंग्वेज में लॉन्ग क्लिक बोलते हैं एंड्रॉइड में. ठीक है, तो ये टेस्ट आपका जो नोट का टाइटल उसके ऊपर डबल टैप में होल्ड करना है आपको. अच्छा, आप डायरेक्टली आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है. यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट नोट, उसके ऊपर क्लिक करना है. ओके, आपका नोट डिलीट हो गया. ठीक है, देखा, आपकी नोट्स जो है वो डिलीट हो गई. सो इस तरीके से आपका पूरा इंटरफेस काम करता है. इस बेसिस पे आपकी सारी चीजें काम करती है. ओके, सो ये आपका काम हो चुका है नोट्स का सेक्शन. अब चलते हैं पासवर्ड के सेक्शन में. माय पासवर्ड्स, ओके, यहाँ पे है व्यू पासवर्ड, सेव पासवर्ड. ओके, सो इसका भी इंटरफेस काइंड ऑफ सेम है. चलिए, फॉर व्हाट? ठीक है, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको किसके लिए पासवर्ड सेव करना है. जैसे आपका गूगल अकाउंट हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो. जैसे मैं डाल रहा हूँ, ओके, ट्यूटोरियल इधर मैंने डाल दिया फॉर व्हाट में. यहाँ पर देखिए, ये फील्ड देखिए, यूजर आइडेंटिफायर, यूजर नेम और यूजर आईडी. ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल यूजर नेम और यूजर आईडी ही डालनी है. ईमेल आईडी से तो भी आप डाल सकते हो. पूरा आपका यूजर का जो आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर होता है लॉगिन के टाइम पे, जब आप यूजर नेम या फिर कुछ भी डालते हो लॉगिन के टाइम पे पासवर्ड के अलावा, वो यहाँ पे आएगा. ओके, तो यहाँ पर आपको डालना है, मैं कुछ भी डाल दूंगा, टेस्ट. यहाँ पे देखिए, दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड का. इधर आपको पासवर्ड डालना है, जैसे मैं डाल दूंगा. ओके, यहाँ पे एज वेल एज क्लियर बटन भी है और सेव बटन भी है. तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड हैज बीन सेव्ड. ओके, अगर आप क्लियर बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ ना भी लिखा हो फिर भी यहाँ पे बोल जरूर देगा आपको ये कि इन्फॉर्मेशन हैज बीन क्लियर, क्योंकि वो सब कुछ वाइप तो कर ही देता है, चेक करता भी नहीं है ये कि कुछ लिखा है या नहीं. तो ये पूरी तरीके से एक एबिलिटी है. ओके, बैक चलेंगे. यहाँ पर है व्यू पासवर्ड, चलिए इसमें चलते हैं. व्यू पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन में आ गया, टेस्ट आ गया. इधर हम लोगों ने टेस्ट क्रिएट किया था, ये पासवर्ड के टाइटल से ही यहाँ पर शो करेगा, याद रखना. इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, पासवर्ड लोडेड. ओके, यहाँ पर लेफ्ट राइट स्वाइप करूंगा, टेस्ट, पासवर्ड फॉर कोलन, ट्यूटोरियल, पासवर्ड ट्यूटोरियल के लिए है. ओके, यूजर आइडेंटिफायर क्या है?
टेस्ट पासवर्ड क्या है टेस्ट इधर एक ऑप्शन है कॉपी पासवर्ड इसका करके आप डायरेक्टली पासवर्ड को कॉपी कर सकते हो अपने क्लिपबोर्ड में पासवर्ड कॉपीड ओके अब अगर आपको पासवर्ड डिलीट करना है तो बैक आएंगे तो इस तरीके से आप पासवर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं सो ये है एप्लीकेशन रिमेन बाय VI डेवलपर्स वर्जन 1.0.0 ऑल राइट्स आर रिजर्व बाय VI डेवलपर्स क्रिएट एन एक्सेसिबल एंड टेक्निकल वर्ल्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी सो गाइस आप सब के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है आप सब के लिए इसमें एड्स नहीं डाली गई आप सब के लिए इसकी एक्सेसिबिलिटी जितनी हद तक हो सकती थी इंक्रीज कर दी गई है सो ये सब कुछ आपके लिए किया गया है पूरा लाइट वेट स्मॉल और स्मूथ एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है सो ये मेहनत पे 5 स्टार केवल VI डेवलपर्स आपसे होप करता है आप जब प्ले स्टोर पर रेटिंग करने जाए और खास कर रेटिंग करिए 5 स्टार रेट करिए क्योंकि आपके स्टार रेटिंग ही हमें आगे काम करने की जो है इंस्पिरेशन देते हैं सो यही सारी चीज़ें हैं अगर कोई फीडबैक है या फिर कोई बग आपको फील हो रहा है तो आप इमीजिएटली हम तक कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हम ज़रूर से उस बग को फिक्स करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे हमारे बेस्ट एफर्ट्स देंगे और विद इन बिजनेस वन डे यानी कि 24 आवर के अंदर अंदर बिजनेस डे के अंदर अंदर आपको जो है रिप्लाई भी VI डेवलपर्स की ओर से मिल जाएगा सो ये सारी चीज़ें हैं आप सब यूज़ कीजिए एंड हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो